साथ संदीप शर्मा और श्री श्याम जो खाटू श्याम को लेकर के काफी सारे भक्त हैं, उत्सुक हैं, क्योंकि महीना काफी जो उनके श्रद्धालु हैं उनके बीच में एक उत्साह देखने को मिलता है कि फागुन के महीने में जो निशान यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। जो पानीपत के खाटू श्याम जो निवास धाम है गली नंबर 3 में विकास नगर NFL के पीछे, उसको लेकर के हम फिलहाल आपको एक जानकारी अहम दे रहे हैं कि उस निशान यात्रा की, उस फागुन के मेले की क्या कुछ तैयारी है, और अगर आपको वहां पर आना है खाटू श्याम जी के जागरण में आपको पहुंचना है तो उसके लिए कहां से आना पड़ेगा, क्या कुछ रूट मैप है और किस तरह से कार्यक्रम जो है रहने वाले हैं उसको लेकर के हम जानकारी के लिए फिलहाल लाइव हुए हैं। और फिलहाल जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं फिलहाल जो GT रोड है NH 44 नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं, और ये कट आप देख पा रहे हैं कि जो अनाज मंडी कट है ठीक उसके सामने एक ये बोर्ड लगा हुआ है, और अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अपने उल्टे हाथ यानी लेफ्ट साइड में कट है, वहां से आपको कट से लेफ्ट की तरफ होना है। और अगर आप पानीपत, मेरे पीछे पानीपत आप देख पा रहे हैं, पानीपत से अगर आप आ रहे हैं तो आपको राइट में होना पड़ेगा। और एक बार साथी से कहूंगा कि मुझे एक बार थोड़ा सा फॉलो कर, मैं दिखाना चाहूंगा ठीक यहां से लेकर के अब ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं अनाज मंडी है, और अनाज मंडी शराब का ठेका आपको मिलेगा, ऊपर श्री श्याम खाटू निवास धाम द्वार जो है ये बनाया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, सजाया जाएगा इसको। और ये पहला गेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपको नजर आएगा, आगे कैसे आपको पहुंचना है इस निशान यात्रा में शामिल होने के लिए वो हम आपको आगे की तस्वीरें हैं। और जो स्वामी सुभाष जी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मेले की तैयारी, निशान यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। तो अगर आप जो जिस तरह मैंने आपको रास्ता दिखाया GT रोड से जब अनाज मंडी की तरफ आप सीधे बढ़ेंगे विकास नगर जो NFL का जो पीछे का रास्ता है वहां से आपको टी पॉइंट नजर आएगा, और टी पॉइंट से आपको लेफ्ट साइड में चलना है, और लेफ्ट साइड चलते चलते अनाज मंडी के जो बैक साइड है एक तरफ, दूसरी तरफ रेलवे लाइन आपको दिखाई देगी, उसके बीचों बीच ये रास्ता है, और वहां भी एक इस तरह का जो स्वागत द्वार जो है वो बनाया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं कि जो रेलवे का जो अंडरपास है वो आपको दिखाई देगा। अगर आप रोहतक गोहाना की तरफ से आ रहे हैं या फिर शुगर मिल की तरफ से अगर जो रास्ता आता है वहां से आपको नजर आएगा। और ठीक मेरे आप पीछे आप देखेंगे एकदम पीछे मेरी नाक की सीध में वहां पर आपको दिखाई देगी NFL का जो बैक साइड का गेट है वो, और आपको वहां से राइट साइड में आपको होना है, और राइट साइड में आपको पहली दूसरी और तीसरी नंबर गली आपको दिखाई दे जाएगी। तो आपको गली नंबर 3 में श्री खाटू श्याम निवास धाम जो है वो आपको नजर आ जाएगा जो गली नंबर 3 में पड़ता है। आइए अब बातचीत कर लेते हैं स्वामी सुभाष जी से। तो फिलहाल हम गली नंबर 3 जो खाटू श्याम निवास धाम जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, और जो तमाम श्रद्धालु है यहाँ लाइनों में आपको लगे हुए नजर आ रहे होंगे, और अंदर स्वामी जो सुभाष जी है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो निशान यात्रा निकलने वाली है 3 तारीख की, उसको लेकर के
क्या कुछ तैयारियां चल रही है। और आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर आशीर्वाद लेते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। सुभाष जी, किस तरह की जो तैयारी है फागुन मेले को लेकर के, जो निशान यात्रा निकलने वाली है 3 तारीख को, कैसी तैयारियां चल रही है और क्या कुछ नया रहने वाला है सुबह से लेकर के शाम तक का? क्या क्या, क्या जो रूट मैप बनाया गया है, कहाँ कहाँ वो निशान यात्रा घूमेगी? देखिए, 3 तारीख को सुबह 10 बजे श्री खाटू श्याम निवास धाम से निशान उठेगा। वो पानीपत धाम की परिक्रमा निशान यात्रा होती है, जैसे खाटू में खाटू धाम की परिक्रमा निशान यात्रा होती है। लाखों श्रद्धालु उसमें बाबा श्याम के जयकारा लगाने के लिए पहुंचते हैं। और जो मैं देख रहा हूं, हर साल फागुन मेले में पानीपत धाम पर भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। रही बात तैयारी की, तैयारी ये पूरे शहर में नजर आएगी। जहां भी नजर डालोगे बाबा श्याम ही नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आता है। भक्तों में ऐसी उमंग छाई है कि ये कहते हैं ना कि पलखे बिछा दो, पलखे बिछ जाऊं बाबा श्याम की सेवा में, फिर तैयारी में कोई भी कमी नहीं है। रही बात जैसे मैंने बताई कि 3 तारीख को सुबह 10 बजे श्री खाटू श्याम निवास धाम की परिक्रमा निशान यात्रा निकलेगी। उसमें पानीपत धाम से देवी मंदिर से होते हुए 11-12 सेक्टर वहाँ मॉल है कि वहाँ पे भंडारे का जैसे भक्तों के लिए व्यवस्था रहेगी। और फिर चारों तरफ कहने का मतलब परिक्रमा का मतलब होता है पानीपत धाम की चारों तरफ से। पानीपत धाम पर पहुंचने के बाद में भक्तों के लिए भंडारे का सेवा रहेगी। समापन कहाँ होगा इस निशान यात्रा का? ये पानीपत धाम वापिस आएगी यहाँ से, जहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, शहर भर में घूम के चारों तरफ फिर वापिस यहीं पे समापन होगा। ये मेला जो है हर साल पानीपत धाम पे ही भरता है, ठीक है। तो शाम 6 बजे भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था रहेगी और जागरण पूरी रात चलता रहेगा। बहुत सारे कलाकार पानीपत धाम पर पहुंच रहे हैं बाबा की महिमा सुनाने के लिए। ये तीसरा साल है पानीपत धाम पर बाबा श्याम का मेला। हाँ, बिल्कुल भंडारा रहेगा। और जो मैं देख रहा हूँ हर साल लगातार पानीपत धाम पर भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्वामी जी, पोस्टर में देख पा रहा हूँ शहर भर में, जीटी रोड की बात करें, गलियों की बात करें, कॉलोनियों की बात करें, वार्डों की बात करें, हर जगह जो इस यात्रा जो निशान यात्रा है उसके पोस्टर नजर आ रहे हैं। पोस्टर में तो, नेता हैं उनके भी फोटो हैं। कौन कौन लोग वो पहुंचेंगे,
किन किन को आप लोगों ने यहाँ पर जो है दर्शन के लिए बाबा जी पहुंचेंगे और निमंत्रण भी दिया होगा, जाहिर सी बात है। देखिए, कोई भी धाम है, कोई भी मंदिर है, वहाँ पार्टीबाजी तो कोई होती ही नहीं है। वहाँ पे हर नेता और हर छोटे से लेके बड़े तक हर भगत पहुँचता है। तो काफ़ी जो आप जो नेता लोग हैं वो भी पहुँचेंगे और श्रद्धालु, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देखो, जब मंदिर में जाते हैं तो हर व्यक्ति पहुँचता है। इनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं, कुछ किस सजाए जाएंगे, कैसे क्या कुछ है? उसके बाद में जागरण की तो आपने बात बता दी कि भाई रात के टाइम पे जागरण है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु पहुंचेंगे और कुछ विशेष तरह की जो सजावट है श्रृंगार खाटू श्याम जी का करने वाले हैं आप लोग? श्रद्धालुओं को तो ये है जी, जो पिछले साल जो हमने देखा अपना हिमाचल न्यून उड़ीसा से थे कुछ लोग, बाई एयर जो दिल्ली उतर के पानीपत धाम पे पहुंचे थे, इधर यूपी से यून अपना राजस्थान क्या नाम है जयपुर से काफ़ी आदमी था, और अब की बार भी जो भक्तों के फोन आने लग रहे हैं तो काफ़ी भारी मेला है। तो तमाम जानकारी स्वामी जी ने बताई और काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं उनमें भी उत्साह है इस निशान यात्रा को लेकर के। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। निशान यात्रा के लिए लोग एक साल तक का इंतजार करते हैं कि कब वो निशान यात्रा होगी फागुन के मेले की। क्या कुछ आप लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है? बहुत ज्यादा है। हाँ, तबीयत खराब हो रही थी, मैं आई नहीं जी, मेरे बुखार हो रही थी। मैं बोली बाबा बिठाओगा ना तो मैं बैठूंगी, देख लो मैं जब की बैठी नहीं तो मेरे बुखार चढ़ रही थी इतनी तेज, और मैं 2-3 घंटा हो गया इधर बैठी ने, और ये मेरा बिल्कुल ही हरकत नहीं है। बाबा का नाम लेके आई थी मैं इधर। हाँ, बहुत है। घर से आप तो ले सकते हैं भाई नाम तो बाबा जी का, या फिर यहीं पे कुछ घर से भी ले सकते हैं। हम इधर आते हैं, इधर हमने बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है इधर आते हैं दरबार पे। बहुत ज्यादा खुशी। तो और कुछ श्रद्धालु उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग जी? शिवा से आए जी। किस तरह की जो तैयारी है जो खाटू श्याम जो निवास धाम है, इनकी तो तैयारियां पूरी है स्वामी जी की तरफ से तमाम जानकारियां दी गई। आप लोगों के अंदर क्या उत्साह है, किस तरह की आप लोग किस तरह से उस दिन खाटू श्याम जी को रिझाने वाले हैं और उनसे इस निशान यात्रा में क्या कुछ आपको लग रहा कि भैया हमें इस जो सुखमय जीवन है ये चीजें मुझे चाहिए, उनको रुझाने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए क्या कुछ करने? तो हारे के सारे हैं, यही करेंगे, इनको करना। हमें तो इंतजार रहता है इस दिन का, निशान यात्रा का। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तैलकर, मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और श्री श्याम जो खाटू श्याम को लेकर के